नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। साइबर सिटी के शिवाजी नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के विख्यात शख्सियत महेश राघव के घर में महेश राघव और उनकी धर्मपत्नी समेत चार नौकर बेसुध हालत में मिले। दरअसल एडवोकेट महेश राघव का बेटा शाम तकरीबन 6 बजे जैसे ही कोठी में दाखिल हुआ तो देखा कि उसके माँ बाप और घर के नौकर बेसुध हालत में पड़े हैं और घर में अलमारियां और ड्रॉर्स खुले हुए हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस मौके पर पहुंची और हालात देख मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वेड को मौके पर बुला मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। शुरुआती तफ्तीश में आया सामने की कोठी के भीतर भी अलमारी और अन्य सामान के साथ सीसीटीवी के डीवीआर को भी इत्मीनान से तोड़ा गया। वहीं पुलिस की माने तो कोठी के मालिक और अन्य नौकरों को बेसुध हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाम की शिफ्ट में आए नौकर की माने तो उन्हें जल्दबाजी में ड्यूटी पर बुलाया गया और यहां आते ही उन्हें मालूम चला कि मालिक और नौकरों को किसी ने बेहोश कर कोठी में वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर इस लूट की वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। डकैतों ने ना केवल कोठी में रहने वालों को खाने में नशीला पदार्थ दिया बल्कि कोठी के 3 DVR को भी तोड़ दिया। यानी जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया वो कोई घर का भेदी नौकर भी हो सकता है। बहरहाल मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच ने आसपास के सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज को कब्जे में ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च। और आपके अपने चैनल वायरल सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।